मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। सुल्तानपुर जिले में हुई सनसनीखेज वारदात ने सभी को हिला कर रख दिया। वो नौजवान जन सुविधा केंद्र चलाता था। 26 जुलाई की शाम अचानक वो कहीं लापता हो गया। परिवार ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कई दिनों तक उसका कुछ पता न चल सका। फिर एक दिन वो नौजवान पुलिस को मिल जाता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, किसने किया और इतने दिनों तक वो कहाँ था, ये बताने से पहले ही उसका जिस्म मुर्दा हो चुका था। जी हाँ, उस बेचारे की मौत हो चुकी थी। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम राहुल शर्मा है। थाना कोतवाली देहात के भराईपुर गांव के रहने वाले राहुल शर्मा वाराणसी हाईवे किनारे कामतागंज बाजार में जन सुविधा केंद्र चलाते थे। 26 जुलाई की शाम 6 बजे वो दुकान बंद करने के बाद घर से निकले, लेकिन देर रात घर नहीं पहुंचे। परिवार ने तलाश की तो कुछ पता नहीं चल सका। इस कश्मकश में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, जिसके बाद 27 जुलाई को पिता जोकूराम शर्मा ने देहात कोतवाली में लिखित तहरीर दी। सूचना के बाद कोतवाली देहात पुलिस और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की, तो बुधवार शाम घर से करीब 30 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर मौजूद असरोगा टोल प्लाजा के पास से राहुल की बाइक और मोबाइल लावारिस हालत में बरामद कर लिए गए। लेकिन जनसुविधा संचालक राहुल शर्मा का कुछ पता नहीं चल सका। नाराज ग्रामीण गुरुवार सुबह कोतवाली देहात पहुंच गए। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चांदा थाना इलाके में किसी नौजवान की लाश लावारिस मिली है। पुलिस और परिवार तुरंत ही मौके पर पहुंचा, लेकिन लाश देखते ही परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि लापता राहुल शर्मा की थी, जिसका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तुरंत ही लाश कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि राहुल की गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन राहुल की मौत के पीछे की असल हकीकत तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अजहर अब्बास की रिपोर्ट। मसल मॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।